start. Next topic, variance and standard deviation. Variance क्या होता है बेटा? Formula है. Summation. इसको sigma square से लिखते हैं variance. Summation. I put once लेकर n. xi minus x bar का square upon n. ध्यान रखना अगर अनप्रूव डेटा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और अगर प्रूव डेटा हो ये वाला fi into xi minus x bar का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ f. ये वेरिएंस का फॉर्मूला है. एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. आपने जो वेरिएंस निकाला है उसका स्क्वायर, सिंपली इसका स्क्वायर रूट. चलो क्वेश्चन करते हैं इसको. प्लीज एट क्वेश्चन डेटा है 6, 8, 10, 12, 14 50. अब आपको इसका वेरिएंस निकालना है. तो वेरिएंस क्या होता है बेटा?
रूट थीटा का वेरिएंस क्या होता है? समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समीशन एफ आई। ध्यान रखते हैं अगर समीशन के आगे में आई सोच से क्या एक नहीं लिखा चलेगा, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट तो फिर वो वही मान लिया। हाँ तो इसके लिए आपको क्या चाहिए था, एक्स बार चाहिए। एक्स बार क्या होता है, ग्रुप डेटा के लिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई होता है। तो रखो ये एफ आई है एक्स आई क्या होगा निकाला था क्लास का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन
प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर इनटू में समीकरण आपका क्या है? अच्छा ये समीकरण जो है पहले एफ आई से मल्टीप्लाई होगा, समीकरण एफ आई इनटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस टू एक्स बार एफ आई एक्स आई प्लस एक्स बार का स्क्वायर एफ आई अपॉन एन, है ना? एपी जीपी जीपी में हम लोगों को ये कराया था समीकरण डिस्ट्रीब्यूट करना, जीपी में कराया था बोले एक्स से जीपी में था समीशन आप अलग अलग लगा सकते थे, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर और जो कांस्टेंट है जिसमें आई नहीं सी कांस्टेंट है हर बार सेम वैल्यू रहेगी तो ये कांस्टेंट तो बाहर है टू एक्स बार एफ आई समीशन एफ आई एक्स आई प्लस एक्स बार का स्क्वायर समीशन एफ आई, ठीक है? सबके नीचे एन अलग अलग कर देते, ठीक है? क्या मिलेगा बेटा तुमको? समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर वन अपॉन एन, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ज्यादा पहचाना है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई एक्स बार का फॉर्मूला है, तो ये एक्स बार का फॉर्मूला है ना और ये समीशन एफ आई एन होता है एन से एन कट गया, ये हो गया एक्स बार का स्क्वायर, तो क्या हो गया दोनों सेम है टू माइनस टू एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा वन अपॉन एन, ये एन है वन अपॉन एन समीशन का स्क्वायर माइनस टू एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ओनली एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, आंसर ठीक है? अच्छा एक्स बार के लिए ना समीकरण ऑफ एफ एक्स अपॉन एन लिख दिया एक बार, ठीक है? तो ऐसे लिख सकते ना वन अपॉन एन समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, है ना? इसकी मतलब इसका मतलब एन ही है ना बेटा, वन अपॉन एन कॉमन ले लिया ये हो गया समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला लगा दिया इतना एक्चुअली इससे बड़ा हो गया समीशन एफ आई एक्स आई, ये एक फॉर्मूला रहता है ना, तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड मैंने करा था, जरूरत नहीं है बस ठीक है हाँ शॉर्टकट मेथड नहीं है, कैलकुलेशन पर से लगी है ठीक है बस ये 2.2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाले एक्सरसाइज के आगे कवर कर लो, छोटी सी एक्सरसाइज है कर लो, है ना? तो ध्यान रखना भाई आप वो फॉर्मूला के लिए वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो आपको फॉर्मूला अच्छा लगे, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम देखते हैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्चुअली मैं इस चैप्टर में ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर है नहीं आपके कॉम्पिटिशन में नहीं, और इसमें बहुत बेसिक से ही है हमारा एनसीईआरटी में, इसकी आरटी भी नहीं करता अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एनडी के करना क्यों करता हूँ वरना कराता भी नहीं, एनडी भी करा रहा कोई अगर क्लास करना है। अच्छा भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दो देखो सुनो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये कंपेयर करने के लिए काम में आता है, तो दो डेटा है कि कौन सा डेटा में वेरिएंस ज्यादा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा तो वेरिएशन ज्यादा होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा तो वेरिएशन कम होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जैसे फर्स्ट डेटा है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी मतलब वही फर्स्ट सेट ऑफ डेटा, इसका फॉर्मूला बेटा सिग्मा वन मतलब फर्स्ट डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन फर्स्ट डेटा का मीन इनटू 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, और सेकंड डेटा का अगर पूछा जाए तो सेकंड डेटा का मीन और सेकंड डेटा का डिस्टेंस डेविएशन और सेकंड डेटा का मीन। जैसे क्वेश्चन है
अच्छी बात ये है कि इसके क्वेश्चन का आपको मीन और वेरिएंस जो है ना वो निकाल निकाल के दे रखे हैं। जैसे एग्जांपल 13, दो डेटा है, टू प्लांट्स ए बी ऑफ अ फैक्ट्री, शो द फॉलोइंग रिजल्ट अबाउट द ए और बी, दो प्लांट्स है, नंबर ऑफ वर्कर पहले वाले में जो एन है वो है 5000, ये एन वन ये एन टू, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मीन, एवरेज मंथली वेजेस ये है रुपी 2500 और ये रुपी 2500, दोनों का मीन सेम है। और वेरियंस कितना है, वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ये है 81 रुपीज और ये 100 रुपीज। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस ऑफ डेटा ए, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इक्वल 100 होता है। सिग्मा ए लिखा तो मतलब ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा ए बार मतलब ए डेटा का मीन क्या है बेटा, इसका वेरियंस कितना है ए का, ये रहा 81 और मीन कितना है 2500 इनटू 1000 नहीं 100 सॉरी। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस ऑफ प्लांट सिग्मा बी मतलब बी जो डेटा है बी वाला का जो डेटा है उसका सेट डेविएशन अपॉन सिग्मा बी होगा, सिग्मा बी होगा आपका 100 अपॉन 2500 इनटू 100 दो जो दोनों का 4। इधर पूछा बेटा इन व्हिच प्लांट ए और बी इज द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, वेरिएशन का है भाई वेजेस में जो ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है 4। क्वेश्चन क्या है पढ़ना बेटा, इन व्हिच प्लांट ए और बी इज द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, नेक्स्ट 14 एग्जांपल चलाता हूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर देखो सिग्मा 1 सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएशंस पर आपको दे रखा है, फर्स्ट डेटा का तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 60 और सेकंड का है 70 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 21 और दूसरे का है 60। What are the arithmetic means? बहुत इजी है। Formula क्या? Coefficient of variance of one equals to sigma one upon x one bar into 100. We have given two values. 60 is equals to 21 upon x one का bar into 100. बस x one bar मतलब यहाँ 2100 upon 60 हो जाएगा। ये जो सिक्योर कट 60 जा 65 हाँ सर। सिमिलरली एक्स टू बार भी आ जाए। 15 एग्जाम्पल भी सेम है बेटा, एग्जाम्पल 15 जैसा सिंपल है कर लेना एक्सरसाइज। अच्छा एग्जाम्पल से बहुत सिंपल दिया है एक्सरसाइज में, मीन वेरिएंस सिखा लें आपको तो कुछ नहीं है, इट विल बी कैलकुलेटिव थोड़ा सा ना ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार आपको ट्राई करना फॉर्मूला याद करके, क्वेश्चन करना क्वेश्चन भी कर लेना आपको हो जाएगा फॉर्मूला याद करके ना बेटा, ठीक है। चलो फिर कल ये दोनों एक्सरसाइज करके आना 14.1 15.2 और 2.3 भाविका बेटा क्लास में भी नहीं आते ऑफलाइन भाविका
चलता है।